नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के लघु सचिवालय में स्थित चौथे दिन धरने पर बैठे किसानों ने आज सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के महल के आगे धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि या तो सरकार के नुमाइंदे उनके समर्थन में आए या फिर कृषि कानूनों को वापस करवाने का साथ दें। किसान नेता जसवीर सिंह भाटी ने बताया कि इसी प्रकार उन्होंने सांसद के आवास के घर के पास धरना लगाया था। अब वो इसके बाद बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और उप मुख्यमंत्री के घर के आगे धरना लगाएंगे और उन्हें मजबूर करेंगे कि या तो कृषि के काले कानूनों को वापस किया जाए या फिर वे अपना इस्तीफा दें और धरने पर किसानों के साथ बैठें। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। और 2 बजे के बाद अभी इतने आए हैं जल्दे हाँ 2:30 बजे तक भी मैं इतने पहुंचे हाँ अभी इन्हों का मरदम मंगने वास्ते आए हैं। आजाद उम्मीदवार MLA आजाद जीते हुए साडिया वोटा नाल बने हैं तिलो काले कानून जो पास कराने वास्ते साढ़े ना आगे खड़न सरकार से प्रेशर में रहन काले कानून पास करवाने वास्ते इन्होंने का समर्थन मंगने वास्ते आने वाला जो सा कल का दिन है 16 तरीक का पहला तो सा बेटा सरदार रणजीत सिंह चौधरी रणजीत सिंह ने दार दिया गया उन्होंने अभी दार दे के जाके धरना लावे और जोड़े साढ़े 2 साल से बिजली बोर्ड के पैसे दवाए गए हैं किसानों के रख रखे है वो साढ़िया मोटर के कनेक्शन देन तिलों जो काले कानून है वो वापस कराने वास्ते अभी उन्होंने भी जवाब देवे रवि रणजीत सिंह जी आजाद उम्मीदवार जीते हुए हैं तो किसी पार्टी ना संबंधित नहीं उन्होंने अगर BJP ने समर्थन दिता है ज्यादा उन्हें समर्थन देना तो साढ़े काले कानून वापस कराने तो नहीं जाके साडे बीच बैठन इस्तीफा दे कर 17 तरीक का जोड़ा साढ़ा चौधरी उप मुख्यमंत्री संत दरबार जी होगा करना धरने के ही मंग रखा बे इस्तीफा दे के घर या मुख्यमंत्री होंगे हुए साढ़े जोड़े किन्ना काले कानून सरकार ने साढ़े तो खोते है और किसान की मौत के बराबर है दोबारा का अगर तिने काले कानून सरकार वापस नहीं लेंदी जो नहीं करा सकता या वो कहने पर नहीं लेंदी तो इस्तीफा दे के साढ़े चाके बैठे या वो अपने आप को किसान का बेटा ना आके किसान को सरकार द्वारा